गुरुकुल में आपका स्वागत है। टेरेस गार्डनिंग में आज हम कड़ी पत्ते की बात करेंगे। कड़ी पत्ते को हम मीठा नीम भी कहते हैं। कड़ी पत्ते का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में इन पत्तों के बिना तो खाना ही नहीं बनता। इडली हो, सांभर हो, डोसा हो, इन सब के अंदर इन पत्तों का काफ़ी यूज किया जाता है। इवन खाने के अलावा इसका आयुर्वेदिक चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन पत्तों का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये पौधे अपने घर में जो वेस्ट बाल्टी थी जो टूट चुकी थी उन्हीं के अंदर इनको ग्रो कर रखा है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आई थिंक इन पौधों को 1.5 से 2 साल हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पे कड़ी पत्ता कैसे उगा सकते हैं, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। वैसे इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। इसे आई थिंक सभी को अपने घरों में लगाना चाहिए। कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, वजन कम करने के लिए भी रोजाना कुछ अगर इसकी मीठी नीम की पत्तियां चबाई जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप कड़ी पत्ते को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो पौधों को उगाने के लिए ताजे बीजों को बोना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा बीज आपको दिखेंगे उगे हुए, जो कि पक चुके हैं बीज, ये वाले, जैसे कि मेरे इस पौधे में भी है, इसमें काफ़ी सारे बीज पक चुके हैं। तो इनको आप तोड़ लीजिए। आपको हरे बीज नहीं तोड़ने हैं क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। जैसे आपको पता है नीम के पेड़ पे जैसे निम्बोली आती है, सेम वैसे ही मीठे नीम के पेड़ पे भी निम्बोली आती है। बट ये जो बीज है इन बीजों को अब आपको किसी भी प्लांट के अंदर ग्रो कर देना है। अगर आप किसी भी गमले में इनको उगाओगे तो फिर थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इनके अंदर एक छोटा सा पौधा उग जाएगा। तो कड़ी पत्ते को वैसे आप धूप की रोशनी में रख सकते हैं, अच्छा होगा कि इसे आप बाहर ही उगाएं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह उगाएं कि जहां से सूरज की रोशनी पड़ रही हो वहीं पर उगाएं। इसके अलावा बहुत तेज़ धूप इसे नहीं चाहिए होती, जो कि जून और मई की चिलचिलाती धूप होती है लू वाली, उसमें इसको नहीं उगाना। वैसे इस पेड़ पे जो बीज है आपको दिख रहे हैं ये आना स्टार्ट हो जाते हैं मई जून के अंदर। फिर आप जब जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है आप इनके बीजों को बो दें और ये पौधा उग जाएगा। जैसे ही उगता है फिर इसमें हफ्ते में आपको सिर्फ 2 बार खाद देनी है। आप गोबर की खाद दे सकते हैं, इसके अलावा और इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि पौधा जल्दी बढ़े तो इसकी समय समय पर आप छटाई करते रहें ताकि नई नई ताज़ा पत्तियां उगती रहे। वैसे तो कड़ी पत्ते पर कोई कीड़े वीड़े नहीं लगते, कीड़े से तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, लेकिन फिर भी आप इसमें कीटनाशक दवाइयां डाल सकते हैं। वैसे मैं मना करूंगा डालने के लिए, आप सर्फ का यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। पानी कब देना है तो पानी देने से पहले आप देख लें कि ज़मीन इसकी पूरी तरह से सूख चुकी हो। गर्मियों में कड़ी पत्ते में पानी डालना ज़रूरी होता है। अगर इसकी ज़मीन गीली है तो उसको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसे सीधे गमले में लगा सकते हैं। आप 3-4 बीज एक साथ ग्रो करें, सिर्फ एक बीज से नहीं बल्कि अच्छी पत्तियों वाला पौधा कई सारे बीज एक साथ लगाने पर ही उगता है। ऐसे में आप इन्हें आराम से लगाएं, साथ में खाद भी डालें, मिट्टी में मिलाएं, नहीं तो मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिलाकर इस पौधे को आप लगा सकते हैं। सूखा गोबर जैसे कि मैंने आपको बताया आप ये खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। जब आपका ये प्लांट बड़ा हो जाए तो आप इसको ट्रांसप्लांट करके किसी बड़े में ग्रो कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते के मैं फिर बताना चाहूँगा, इसके काफ़ी आयुर्वेदिक फ़ायदे भी है। इवन राजस्थान, गुजरात, ढोकला, सांभर, इडली, डोसा, इन सब के अंदर कड़ी पत्ते का यूज होता है। तो इसे आप भी अपने गमले में उगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नए पौधे के साथ।